नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं पंडित विसंदा शास्त्री भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का भला करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आपके हाथ में बनने वाले कुछ ऐसी फेट लाइंस, भाग्य रेखाओं के बारे में जो सिर्फ 2% लोगों के हाथ में होती हैं। ऐसी रेखाएं जिसके भी हाथ में होंगी वो धन धान्य ऐश्वर्य सब चीज का सुख मिलेगा उसे। हो सकता है उसकी जो शुरुआती जिंदगी हो थोड़ी सी कष्टमय हो, थोड़ी सी मेहनती हो, पर जो उसका जो जीवन का जो मेहनत करने के बाद जो सेकंड एज का जो समय है उस पर उसे साब हर चीज मिलेगा जिसकी उसे चाह थी, हर चीज मिलेगा, क्योंकि वह मैजिकल फेट लाइंस होती हैं सिर्फ बहुत कम लोगों के हाथ में। जिसके हाथ में होती हैं वह सब कुछ देखे जाएंगे उसको जिसकी उसे चाह थी। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो सबसे छोटी उंगली होती है इसके जो नीचे का एरिया होता है इसे बोलते हैं हम बुद्ध पर्वत, ये बुद्ध पर्वत वाला एरिया है। और दूसरा जो मध्यमा उंगली है इसके नीचे का एरिया जो है ये होता है हमारा शनि पर्वत वाला, ठीक है ना। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर जिस व्यक्ति के बुद्ध पर्वत में कोई भी एक भाग्य रेखा निकले, यानी कि अगर वो भाग्य रेखा सपोज ऐसे निकले, बुद्ध हृदय रेखा से निकले बुद्ध पर्वत पर, ठीक है, एक रेखा जैसे ऐसे निकले हृदय रेखा पर बुद्ध पर्वत की तरफ, ठीक है ना, और कोई रेखा यहां से निकल रही है और यहां निकल रही है आयु रेखा से कोई फेट लाइन जा रही है बुद्ध पर्वत पर, यहां भी हो सकता है कोई शुक्र रेखा से जाए, शुक्र पर्वत से जाए आपके बुद्ध पर्वत तक। ये इस तरीके के अगर भाग्य रेखाएं आपके हाथ में निकल रही हैं, बुद्ध पर्वत से जा रही है, हृदय रेखा से जा रही है बुद्ध पर, आयु रेखा से बुद्ध पर, शुक्र रेखा से बुद्ध पर, या मंगल रेखा से बुद्ध पर, ये मंगल पर्वत से बुद्ध पर, जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की भाग्य रेखाएं बनती हैं वह व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा अपने जीवन में। उस व्यक्ति को जिस चीज की चाह होगी वह मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग स्वयं अपने हाथ में देखिए, स्वयं अपने हाथ में देखें तो वह लाइन बहुत कम लोगों के हाथ में होती है। कुछ लाइन्स ऐसी भी होती हैं जो जिनके हाथ में ये रेखाएं नहीं पाई जाती हैं उनके हाथ में कुछ और तरीके की भी लाइन होती है, वो पाई जाती है, है ना। तो इस तरीके की आज मैं इस रेखाओं के बारे में बात कर रहा हूं, उसके बारे में जानेंगे आने वाली वीडियो के बारे में, वो वीडियो में। तो देखिए, अगर इस तरीके की रेखाएं आपके हाथ में हो तो व्यक्ति को हर चीज का सुख मिलेगा, संपत्ति ऐश्वर्य, और यहां तक कि मैं बोलूं वो व्यक्ति बहुत बड़ा अपने सब्जेक्ट का महारथी होगा, उसको अपने सब्जेक्ट का इतना ज्यादा ज्ञान होगा कि पूरी दुनिया कायल होगी साहब उसकी। इस तरह की रेखाएं, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, बहुत कम लोगों के हाथों में पाई जाती है, सिर्फ 2% लोगों के हाथों में पाई जाती हैं ऐसी रेखाएं। और ऐसी रेखाएं अगर आपकी उसमें आ गए, बुद्ध पर्वत पर आई, तो आप ये समझिए इस तरीके की रेखाएं जो है व्यक्ति को जीवन भर चाहे कितने तकलीफ हो साहब उसको धन की कमी नहीं होगी। अगर कोई रेखा आपकी क्या हृदय रेखा से निकल रही हो बुद्ध पर्वत की तरफ, उसे कभी जिंदगी भर धन की कमी नहीं होगी। हाँ, उसके लिए मैं आपको ये एग्जैक्ट एज बता देता हूँ, एग्जैक्ट एज है 25-26। अगर गरीब घर में पैदा हुआ हो वैसा व्यक्ति और ऐसी रेखाएं निकली, 25-26 तक उसे परिश्रम करना पड़ेगा, और 25-26 अप्रैल के महीने के बाद से उसकी जो लाइफ होगी ना एकदम सडन चेंज होगा साहब, लाइफ जिंदगी में सडन चेंज, अचानक से बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, पर यह है इस तरीके के व्यक्ति को मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी जरूरी है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता बिना मेहनत के। हाँ, और मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा बड़ा आएगा। और जिस व्यक्ति का बुद्ध पर्वत थोड़ा सा दबा हो और इसमें रेखा बन रही है और उसको थोड़ा सा फल ना मिल रहा, उसे लगे कि यार मुझे फल नहीं मिल रहा इस चीज का, तो आप यह याद रखें, सुबह 108 बार
ओम अंग अंगार काय नमः, ओम अंग अंगार काय नमः, ओम अंग अंगार काय नमः, ओम अंग अंगार काय नमः 108 बार बोलना है। 108 बार जाप करना है इसको आपने सुबह, डेली सुबह 108 बार जाप करना है। आपका बुद्ध जो है वो खुद ही सही हो जाएगा साहब, इसका फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और वहीं जो दूसरी रेखा की बात करने वाला हूँ वो है शनि रेखा पर निकलती है। अगर कोई रेखा है मणिबंध से निकले, इसका तो खैर है ये मणिबंध से ही निकलनी चाहिए, मणिबंध से या फिर चंद्र पर्वत से, यहाँ से कोई रेखा ऐसे निकले भाग्य रेखा, वो जा रही है आपके शनि पर्वत पर ऐसे। और जो उसका जो दूसरा फलक है वहां से एक सिरा निकल के कहाँ जाना चाहिए, गुरु पर्वत पे। इस तरीके का साइन मैं बता रहा हूँ वो भाग्य रेखा एक अलग होती है, इस तरीके के भाग्य रेखा के अलग महत्व होते हैं। इस रेखा की अगर मैं बात करूं, इस तरह की भाग्य रेखा जो व्यक्ति को मान सम्मान बहुत मिलेगा अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलेगा, चौतरफा मान सम्मान मिलेगा। कभी कभी ऐसा देखा गया है इस व्यक्ति का जो योगदान होगा बहुत कम होगा, और ऐसे व्यक्ति को जो क्रेडिट मिलेगा सारा क्रेडिट ऐसे ही व्यक्ति को मिलेगा। सपोज आप 10 लोगों ने काम किया, 10 लोगों में से सब ने काम किया, जैसे होता है ना बैंक के मैनेजर जो होता है, और लोग ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, जो एक मैनेजर होता है आपकी कंपनी या बैंक का, उसका थोड़ा उतना काम आप नहीं समझते हैं, पर उसको अच्छा होने पर सबसे पहले तारीफ उसकी ही होगी। इसी कुछ ऐसे रेखाओं वाले व्यक्तियों के साथ होता है। ऐसे रेखा वाले जो व्यक्ति हैं उनको साहब पैतृक संपत्ति बहुत ज्यादा मिल सकती है। ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति की कमी नहीं होगी, पैतृक संपत्ति मिलेगी मिलेगी। और ऐसे व्यक्तियों की जो होगी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स होते हैं, एक से ज्यादा जगह से पैसा कमाएंगे साहब, ये जो वो अर्निंग करेंगे एक से ज्यादा जगह से करेंगे, और उसमें जो ज्यादा पैसा आएगा अगर वो चंद्र पर्वत से शुरू हो रहा हो तो, अगर ये रेखा चंद्र पर्वत से शुरू हो रही हो, ये एरिया है चंद्र पर्वत का, ये एरिया है चंद्र पर्वत का, ये वाला अंदर का एरिया, अगर चंद्र पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत पर जाए, और एक मुंह 100% यह होना चाहिए कि वह मुंह साफ सा निकलना चाहिए बुद्ध पर्वत पर जाना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति का जो आय का स्रोत है वो विदेशी होगा साहब। जितना भी धन आएगा ऐसे व्यक्ति का विदेश पे आएगा, पर एक से ज्यादा जगहों से आएगा। और उसके लिए कुछ और रेखाएं भी देखी जाती हैं, जो फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन से जो इनकम्स होती हैं उसके लिए कुछ और रेखाएं भी देखी जाती हैं, पर जो मुख्य है मुख्य यह है साहब, ये रेखा। जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा नहीं पाई जाती उसमें कुछ और रेखाओं से हम देखते हैं। तो आप यह समझिए इस रेखा वाले व्यक्ति के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगी होंगी, और मान सम्मान उसे मिलेगा, चाहे वो इस देश से काम करे या दूसरे देश से काम करे। और ऐसे व्यक्ति अगर देखा गया है कि शनि पर्वत थोड़ा सा दबा हो इस केस में, तो व्यक्ति चंचल हो जाएगा, बहुत ज्यादा चंचल होता है, थोड़ा सा मनमानी करने वाला, किसी की नहीं सुनने वाला, है ना, क्योंकि ये चीजें किसी और रेखाओं से भी देखी जाती हैं पर इससे भी देखी जाती है। तो आप लोगों से यह निवेदन है कि आप लोग देखें, और अगर जिसका बुद्ध पर्वत कमजोर है, ओम अंगार काय नमः 108 बार सुबह डेली, ठीक है, और अगर जिसका शनि पर्वत कमजोर है वह ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें, और जो लोहे के टूटे फूटे बर्तन हैं या खाली चारपाई हो घर के अंदर ना रखें, और ना ही टेरिस पर रखें छत पर खाली गमले। तो इसी के साथ आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। इसी के साथ वीडियो का समापन करता हूँ। ओम इष्ट दयानंद, जय देवी विंध्यवासिनी।